ए माता दी दोस्तों, शिव शिव तंत्र में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लोग कहते हैं भाई मंत्र सिद्ध हो गया है, पता नहीं चल रहा है क्या होता है मंत्र सिद्ध होने के बाद। मंत्र को किसी भी देवी देवता के साथ साधा जाता है। खुद को साधना, अपने आप को साधना ही एक साधना होती है। उसके लिए ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करें, अपने इष्ट अपने मंत्र के प्रति सच्ची भावना सच्चा पूर्ण विश्वास रखें। मंत्र से किसी भी भूत किसी भी पिशाच को साधा जा सकता है। मंत्र से यक्षिणी यक्ष को भी साधा जा सकता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उस मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने से या 7 बार पढ़ने से उससे संबंधित जो देवी देवता होते हैं या वो आपकी या उनसे संबंधित कोई अन्य शक्तियां होती हैं वो आपके लिए मदद के लिए उपस्थित हो जाती है। मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है। ऐसा होता है मंत्र सिद्ध होने के बाद। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं, यदि किसी को कोई ऊपरी बाधा है उसको दूर करना है तो उन मंत्रों में इतनी क्षमता होती है कि ऊपरी बाधा को जो है वो खत्म कर देते हैं। उससे भाई बोर पंख से झाड़ देते हैं या चाकू से झाड़ देते हैं, ये सरदर्द झाड़ना है या ऊपरी बाधा को खत्म करना है। मंत्र से जब सिद्ध हो जाता है तो जैसे कोई राख है, राख पे अपन ने जो है मंत्र पढ़ा, पढ़ते हुए फूंक मारते गए, 7 बार मंत्र पढ़ा उसको खिला दी तो वो मंत्र जो है कार्य करने लगता है। चाहे कौन मंत्र में जो है देवताओं की शक्ति प्राप्त आ जाती है। भौतिक जो है जैसे आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानी होती हैं, कई प्रकार की रुकावटें होती हैं, कई प्रकार के शत्रु होते हैं, तो ये जो है आध्यात्मिक उपचार है, ये आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन को प्रसन्न कर सकते हैं, बाधाओं से मुक्त करते हैं मुक्त कर सकते हैं। समस्याओं को जो है आप मंत्र के माध्यम से खत्म कर सकती हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन को अपने मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर कर सकते हैं और अच्छे और नए विचारों को अपन डेवलप कर सकते हैं, अच्छे विचार अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अपने अंदर लगातार अच्छी भावना अच्छे विचारों में रत रहने से आपके जीवन में जो बुरी घटनाएं घट रही हैं वो रुक जाएंगी और अच्छी घटनाएं होने लगेंगी। यदि आप सात्विक विचार रखते हैं, सात्विक साफ शुद्ध मन रखते हैं और निश्चित एक ही जगह पर एक ही जैसे आपकी कुलदेवी देवता कोई स्थान है उस पर बैठकर रेगुलर यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके मन के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ में आपके आशावादी दृष्टिकोण भी आपके अंदर विकसित होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। मंत्र जो है एक जिन्न की चिराग की तरह होती है, जैसे ही अपन उसको रगड़ो तो जिस चिराग को रगड़ा तो जिन्न प्रकट हो गया, बोलो मेरे हुक्म मेरे आका। इसी प्रकार से जब आप मंत्र पढ़ते हैं किसी कोई क्रिया करते हैं, जैसे आपने भाई कोई मंत्र लिया और उसका जाप किया और उसको राख के ऊपर कंडे की राख के ऊपर पड़ा फूंका, तो ये जैसे कंडे की राख है उसके आप ऊपर मंत्र पढ़ रहे हैं या किसी जल के ऊपर आप मंत्र पढ़ के फूंक मारते हैं, ओम कामक काम शम नाम काम शरीर व्याम काम नाम देह नित्यम काम श्री नमस्ते काम अक्के पर दे देवी नील प्रदासनी तुम देवी जगत मानी यौनि मुद्रि नमस्ते, फूंक मार दिया ओम हिम क्लीम चाणी चौहम क्लीम क्लीम जूम साय ज्वाल ज्वाल जल जल पेजल पेजल ऐम हिम क्लीम चाणी जल हम सल हम चम पट स्वाहा। कोई भी मंत्र आप एक ले लें और आप मंत्र पढ़ते हैं और पानी के ऊपर फूंक मारते हैं, अब वो अभिमंत्रित हो गया भाई, आपका सिद्ध मंत्र है, आपने उसका जाप किया, आपने अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास है श्रद्धा है, वो श्रद्धा वो विश्वास जिसके लिए आप सत्कर्म कर रहे हैं अच्छे कर्म के लिए कर रहे हैं तो वो इष्ट जो है जो परमात्मा है जो शक्ति है जो देव शक्ति है वो काम करेगी। क्यों? उन मंत्रों में उन मंत्रों के अंदर जो शब्द हैं उनमें उनकी शक्ति समाई हुई है। अब आप जैसे उसमें मंत्र को